वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है जन्माष्टमी पूजा। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। एंड ये ब्लॉग तो लेट जाएगा ही जाएगा। आजकल जो सारे ब्लॉग्स ही लेट हैं तो ये कैसे टाइम पे होगा, ये भी लेट होगा। इसके लिए मुझे बहुत सारी नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ रही है, बट मैं क्या करूँ, वन मैन आर्मी हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल का। तो सब कुछ मैं ही मैनेज करती हूँ, एडिटिंग से लेके हर एक चीज़। तो मेरे को इसलिए टाइम नहीं लगता है, लेट हो जाती हूँ। एंड पहले से लेट चलते हुए आ रही हूँ तो इसीलिए और लेट हुआ जा रहा है। मैं एक दिन में 2 से 4 वीडियोस तो अपलोड नहीं कर सकती, मैं रोज़ एक एक कर रही हूँ फिर भी लेट हो जा रहा है, बट मैं क्या करूँ। चलो तो आज है जन्माष्टमी एंड ये जन्माष्टमी मेरी धनवी की फर्स्ट जन्माष्टमी है। एंड इस जन्माष्टमी पे थोड़ा सा डिफरेंट हम कुछ करने वाले हैं। मैं आई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, साड़ी लेनी है मुझे। मैं सूटकेस में मेरी साड़ी है तो वो साड़ी लेने के लिए, तो साड़ी लेंगे एंड उसके बाद नीचे जाऊँगी और मैं रेडी होंगी, साड़ी पहनूंगी और धनवी को आज बनाएंगे राधा, है ना, राधा बनाएंगे और धनवा को बनाएंगे कृष्ण भगवान, दोनों चीज़ में। बट मेरे दिमाग में कुछ खुरापाती चल रही है, तो आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक देखना, आपको समझ आएगा कि वो खुरापाती चल के आ रही है मेरे दिमाग में, बट अभी नहीं शेयर करूँगी। आप ब्लॉग को लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या खुरापाती चल रही है। तो अभी तक धनवा धनवी के कपड़े नहीं लिए हैं राधा कृष्ण के। एंड कल याद ही नहीं आया, कल रात को मुझे याद आया कि ओह शिट, कल तो जन्माष्टमी है एंड कपड़े नहीं लिए। तो अभी हमारे घर के पास फर्स्ट क्राई है एक, तो वहाँ जा रहे हैं और विशाल मेगा मार्ट, उन दोनों जगह में से कहीं भी अगर मिल जाएगा तो ले लेंगे, एंड नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं। मेरे पापा का ऑफिस मेरे यहाँ पे घर के पास ही है तो उनको बोल दूँगी, तो वो आते वक्त लेके आ जाएंगे कपड़े खरीद के। तो बट अभी पहले देख लेते हैं, अगर फर्स्ट टाइम में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आगे का देखेंगे। तो चलो पहले अच्छी सी एक साड़ी ले लेते हैं, यशोदा चाहे सेकेंड मॉम कौन थी, थोड़ी सी मैं इन सब चीज़ों में कच्ची हूँ, मैं बता दे रही हूँ। तो जो सेकंड मॉम थी वो थी, कौन थी नहीं याद आ रहा, चलो कोई नहीं, अगर ये आपको याद होगा तो कमेंट में बता देना। तो ये देखो मेरी साड़ी, इसमें मैं अपनी सारी साड़ियाँ भर के रखती हूँ। ये इतना बड़ा सा सूटकेस है और ये सूटकेस मुझे दिया था मेरे बड़े वाले मामा जी ने, तो इसमें है मेरी सारी साड़ियाँ। मैं साड़ियाँ ना नीचे अलमीरा में रखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे रोज़ पहनना नहीं होता, तो मुझे लगता है ना कि इस पूरी जगह फालतू में वो होगी, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ जब मुझे पहनना होता है तब मैं आती हूँ ऊपर। ये मेरी साड़ियाँ देख सकते हो, कौन सी साड़ी पहने भाई, हम पहनेंगे ये रेड वाली साड़ी। ओके, ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ। वैसे तो इतनी सारी साड़ी है बट मैंने सोच के आई थी मैं नीचे से कि मैं रेड वाली ही साड़ी पहनूंगी, तो मैं ये रेड वाली ही साड़ी पहनूंगी। दो साड़ियाँ ली हैं, नीचे जाके डिसाइड होगा कि कौन सी वाली पहननी है। चलो भाई बंद कर दो गेट। मम्मा हो गई है तैयार और ये है मेरी राधा रानी। ये मेरी राधा रानी है, ये मेरी राधा रानी। तो मैंने पहन लिया ये वाली साड़ी और मैं हो गई हूँ रेडी। बहुत कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत किया है। एंड ये मेरी राधा रानी सो के उठी हैं, अब राधा रानी अपना पेटू भरेंगी और फिर राधा रानी को नया कपड़ा पहनाएंगे, राधा रानी बनाएंगे। हो हो राधा रानी, ए राधा रानी, ए राधा रानी, इधर देखो इधर देखो, हजू हजू। चलो तो चलते हैं बाहर और उसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट क्राई। कितना हिलते हो भाई, कितना हिलते हो भाई, बहुत हिलते हो आप, बहुत हिलती हो भाई, इतने हिलना बिल्कुल नहीं हिलना। कैसे देखे हो, ये कौन है, ये मम्मा और बेटू है, ये मम्मा दिखी है।
ड्रेस धनवा और धनवी की फर्स्ट कराई है हमारे घर के पास वहाँ से, एंड मैंने साड़ी पहनी है। मुझे अजीब लग रहा है ऐसे साड़ी पहन के जाने में, बट फिर भी जा रही हूँ। और पतिदेव लेके जा रहे हैं, पतिदेव नहीं जाएंगे ऊपर। मेरे यहाँ पे इतना तेज चोट लग गया है, देखो ये क्या है, साड़ी वड़ी पहन के क्यों आई है। बट अब ऐसे ही थी तो मैं सोचा ऐसे चली जाती हूँ। एंड पतिदेव मुझे लेके जा रहे हैं, बट वो नीचे नहीं उतरे हैं क्योंकि वो नहाए नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला वीडियो भी मुझे मत लेना क्योंकि वो नहाए नहीं हैं इसीलिए। और मैं जाऊँगी ऊपर लेने के लिए और ये रहेंगे गाड़ी में। मैं इनका चेहरा नहीं दिखा सकती क्योंकि ये नहाए नहीं हैं, इतना दिखाऊँगी सिर्फ, गंदे से लग रहे हैं। हमारी धनवी का फर्स्ट जन्माष्टमी है, मैं राधा की माँ हूँ। कौन थी राधा की माँ, किसी को नहीं पता कि राधा की माँ कौन थी। मैं सुबह से पूछ रही हूँ, ये नहीं कि सर्च कर लूँ। राधा की क्लासमेट है? नहीं, राधा हमारे घर पे है ना, तो इसीलिए आदत पड़ गई है राधा की, राधा राधा बोलने की, इसीलिए राधा जी की माँ कौन थी भाई बताओ। मेरे यहाँ पे ना चोट लग गया, इतना दर्द हो रहा है और मैं बता नहीं रही डर के मारे कि बताऊंगी तो डांट पड़ जाएगी, कि हर चीज आपको हबड़ दबड़ करनी होती है। तो ये है फर्स्ट ट्राई का, बट यहाँ पे मिला नहीं तो मैं वापस जा रही हूँ। बोल रहे हैं कि जो स्टॉल्स वगैरह होती है ना वहाँ पे मिलती है, ऐसे फर्स्ट टाइम में नहीं मिलती है। ऑनलाइन दिखा रहा था तो मुझे लगा कि ऑफलाइन भी अगर स्टोर पे जाएंगे तो मिल जाएगा, बट नहीं मिला तो मैं वापस जा रही हूँ। अब लास्ट ऑप्शन ये है कि मैं अपने पापा को फ़ोन करूँगी एंड पापा लेके आएंगे ख़रीद के। चलो भाई घर वापस चलते हैं। मैं लेने के लिए बट नहीं मिला, तो बैक टू कार वापस लौटते हैं। पतिदेव इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं मिला भाई। मिल गया, मैंने ऑर्डर दे दिया, उन्होंने बोला कल तक घर पहुंचा देंगे। हाँ घंटा कुछ भी नहीं मिला, बोल रहे हैं मैम यहाँ पे नहीं मिलता। जो वहाँ पे एक और लड़की थी वो कह रही है कि मैम वो जो स्टॉल्स लगे होते हैं ना वहाँ पे मिलता है, तो मतलब कहाँ पे लगे हैं स्टॉल्स, तो कह रही है ये तो नहीं पता, तो नहीं मिला। अब हम जा रहे हैं घर और मेरे पापा को करेंगे फोन, तो मेरे पापा वहाँ से लेके आएंगे। मतलब आज बबनी राधा बनेगी और आप काना बनोगे। राधा बने? हाँ मैं राधा बनूंगी, ये कौन सी बात है भाई, ये राधा बनेंगी छोटी बबनी। नहीं नहीं बबनी, नहीं बबनी, तो मैं आपकी राधा हूँ। सो ये जो ड्रेस है धनवा और धनवी की, ये मेरे पापा लेके आए थे, तो थैंक यू सो मच मेरे पापा और मेरी मम्मी, जो मतलब कुछ भी बोलो वो लोग कर देते हैं पूरा। यहाँ कहीं मिल नहीं रहा था तो मैंने फ़ोन किया, तो बेचारे ऑफिस से 5-10 मिनट का टाइम निकाल के और आके देने के लिए बहुत करते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा करते हैं सीरियसली। सो धनवी और धनवा की ड्रेस आ गई है राधा कृष्ण की। मैंने तो सोचा, उम्मीद छोड़ दी थी, मुझे लगा था कि नहीं हो पाएगा इस साल क्योंकि नहीं मिल रही है ड्रेस, और मैं सो के उठी हूँ इसलिए मेरी आंखें ऐसी लग रही हैं। तो ये रही ये ड्रेस, मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ। और मेरे पापा लेके आए थे देने के लिए ऑफिस से 15-20 मिनट वो करके, और मतलब लेके आ गए, दिखाती हूँ मैं आप लोग को। तो ये है धनवा की ड्रेस, सुंदर सी ड्रेस ये है धनवा की, और इसके साथ नीचे पहनने के लिए धनवा को मिला है ये धोती, और बबनी की ड्रेस ये है, धनवी की राधा की ड्रेस ये सुंदर सी ड्रेस है धनवी के राधा की, और राधा की नीचे का स्कर्ट कहाँ है, ये है राधा की स्कर्ट जो नीचे पहनेंगी राधा रानी। और एक और ड्रेस है,
मम्मी ने एक कान्हा की ड्रेस भी भेजी है बबनी को पहनाने के लिए कि दोनों पहना देना, क्योंकि जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं तो उन पे कान्हा की ड्रेस बहुत सुंदर लगती है, तो मम्मी ने इसलिए बोला कि कान्हा की भी ड्रेस पहना देना। तो मम्मी ने एक और भेजा है, ये धोती और ड्रेस, ये देखो ये ड्रेस, ये कान्हा की ड्रेस है, तो ये धनवी के लिए है। तो मैं धनवी को राधा भी बनाऊंगी और कान्हा भी बनाऊंगी, दोनों बनाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है धनवी। और इसके साथ पहनने के लिए ये मुकुट है, ये जो हाथों पे पहनते हैं ये है, ये बाबू की बांसुरी है, बबनी की बांसुरी नहीं है क्योंकि बबनी छोटी है, और गले में लगाने के लिए ये है, और साथ में एक बहुत स्पेशल चीज़ वो है, ये चंदन जो मम्मी ने भेजा है, चंदन का टीका लगाने के लिए। तो ये सब भेजा है मम्मी ने धनवा और धनवी के लिए, तभी मैं जा रही हूँ धनवा और धनवी को तैयार करने। फिलहाल धनवी और धनवी के पापा निन्नी कर रहे हैं, तो दोनों जने निन्नी कर रहे हैं, तो सो के जब उठ जाएंगे तब उसके बाद तैयार करेंगे। छोटी है मम्मी पहना दे, नहीं पहनाओ ऐसे पहना के लेके जाना, नहीं आप पहनो, मैं पकड़, आप इसको पीछे से मारो। शना हाय शना, चल 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 चल, बाबा ये देखो कान्हा, पापा जी कान्हा जी, कृष्ण भगवान भगवान, अभी राधा भी बनी है। दादी को भी दिखाओ, दादी उठ के बैठो, दादी उठ के बैठो, दादी ये देखो बाबा तो बाबा, ओ बाबा क्या हो रहा शना, तनी मम्मी बबनी का टीका लगा दो, छोड़ दे क्या मम्मी यहाँ पे, छोड़ दे क्या मम्मी, थोड़ा सा कुछ लगा दिया, ए क्यों अच्छा लगेगा, नहीं लगवाएगी ओए बच्चा, इधर देखो, ओए छोटे कान्हा जी है, हाँ ये छोटे से कान्हा जी है, आप फोटो खिंचाओ दादी के साथ भी, मौसी दादी साथ भी, क्योंकि ये अपना जल्दी रोना शुरू करेगी, और दादी की छोटे ए राधा रानी, कान्हा जी बने हो, कान्हा जी बने हो, कान्हा जी बने हो, ये देखो धनु भी तैयार हो गए, धनवा भी तैयार हो गए, ओ बाबू लग रहा है गरबा वाला, ओ बाबू ये देखो विक्की मामू, विक्की मामू को दिखा दो, मामू देखो आपका कपड़ा पहनी हो, थैंक यू बोलो विक्की मामू को, देखो 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 क्या बना है, बोले विक्की मामू मौसी नानी कहाँ है, मौसी नानी कहाँ है, अच्छा मैं, मौसी और नानी, मैं कह रही मौसी नानी वहाँ कौन हो गया, अच्छा चलो ठीक है मैं उनके फोन पे कर लूँ, हाँ ए धनवा इधर देखो, धनवा बांधना है, अरे धनवा ऊपर ज्यादा पहन रहा है, इसका मुकुट बाबू का मुकुट, वो वाला जो काला वाला है वो रख लिया है क्या आप ऊपर, मैं तोड़ के ले, अच्छा नहीं बा ये जाओ, अभी जाओ जा जा दादी घुस जा, बाबू इधर आ चाची पास, इधर आ चाची पास, इधर आ बाय, बन रहा है ये ओवन है भाई, ये देखो बाबू इधर आ चाची पास, पापा जी नहीं ले आए, पापा जी दूरी जाना, केक संग फोटो खींचे, दो दो राधा कृष्ण, नहीं दो दो कान्हा, इधर आ इधर, अच्छा पापा बाबू नहीं देखे हम, हाय हाय
जय कन्हैया लाल की, मदाना गोपाल की, कितना शर्मा के जय लाल की, मदाना गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए तो खिंचवाई भी न करी। लैकन के हाथी घोड़ा गुड़वन के पाल की, जय कन्हैया लाल की, मदाना गोपाल की। मौसी आ जाइ रे रो, आ जाइ जना, हम का ए आए पका ना ना ए जना ए ए धनी चल ला। सुनो वो देना एक फोटो खींचू, और आप मम्मी का गोदी में ले लो जैसे कल रात को लेके बैठे थे। हां हां, ओए बाबा इधर आ, ओए होए बाबा क्या ना मम्मी, ओए होए 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 बैठ जे। ओए बाबू इधर कितना शर्म आ रहा है बच्चा भाई, इधर देखो अच्छे से बैठो बाबू, अच्छे से बैठो। बहुत ताकत आ रही है, क्या हो रही है, इतना सुस्त कर लिया। करोगी बदमाशी, करोगी नहीं ना पिटी हो जाए। अब आपको राधा रानी का ड्रेस पहना दे मम्मा, बोलो पहना दू, बोलो बाय। ये देखो हेयर चल जाएंगे, पिना दू। और आपके हेयर तो है ही नहीं, छोटे छोटे से हेयर है, छोटे छोटे से हेयर है। राधा रानी तो आप कैसे बनोगी, विग भी नहीं है मम्मा पास। कितने ध्यान से बात सुनती हो, कितने ध्यान से। चलो अब आपको राधा रानी बना देते हैं, ठीक है, ओके। छपाई देते हैं सबको, पापा वीडियो बनाएंगे। अब उस टाइम पापा लेके गए थे, अब मम्मा लेके जाएगी। चलो सबको दिखाते, चले चले आप भी चलो, आप भी चलो आगे 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 आगे, आप चलो आपके पीछे पीछे। हाँ आपकी राधा पीछे पीछे चलेगी, चलो 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 चलो। बोलो भाई दादी को, ये राधा रानी भी आ गई। आओ इधर आना, राधा राधा के पास आओ, आ जाओ। ये देखो ये सिंदर, ये राधा और ये कान्हा महाराज। बबनी में ना कौन इधर देखो भाई, तो ओए हो ए बबनी देखी पापा जी, राधा बन गई ली, आपको ये पूरा ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, फिर से देखो अलमीरा की वो वाली अलमीरा वाला खुला हुआ है, वो ऐसे ही रहता है। तो ये छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको ये पूरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, एंड मेरी छोटी सी कान्हा जी, छोटी सी राधा जी एंड छोटे से एक और कान्हा जी आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। एंड ये जो ड्रेस भेजी थी, जैसे कि आपको पता है मेरी मम्मी ने भेजी थी, तो थैंक यू सो मच मम्मी इतनी प्यारी ड्रेस भेजने के लिए। मतलब इतनी अच्छी नानी भगवान सबको दे, बहुत अच्छी नानी है मेरी प्रिंसेस की। मतलब उनके पास जितना होता है ना, वो सोचती है कि मतलब जो कर सके वो सब कुछ करती हैं धनवी के लिए, और बहुत कुछ करती हैं। मुझे नहीं लगता इतना किसी की नानी भी करती है, यहाँ तक कि मेरी नानी ने भी मेरे लिए नहीं किया है इतना जितना कि धनवी की नानी धनवी के लिए करती है। तो थैंक यू सो मच नानी, एंड थैंक यू सो मच मेरी मम्मा कि इतना कुछ करने के लिए मेरे लिए और मेरी धनवी के लिए, एंड साथ में धनवा के लिए भी आपने इतनी प्यारी ड्रेस भेजी। भगवान ऐसी नानी ऐसे नानू सबको दे। मेरे पापा बेचारे 15 मिनट भागते भागते ऑफिस से आए और वो ड्रेस दे के फटाक से चले गए, एक गिलास पानी मतलब बहुत ही मुश्किल से पिया इतना बोलने के बाद, वरना वो इतनी जल्दी जल्दी में आए एंड जल्दी जल्दी में चले गए। तो ऐसी फैमिली भगवान सबको दे। मेरी ससुराल की फैमिली बहुत अच्छी है, एंड मेरी मायके की फैमिली भी बहुत अच्छी है, एंड मुझे दोनों जगह से बहुत प्यार मिलता है। एंड धनवी के मामू भी बहुत अच्छे हैं, उसको भी लगता है कि क्या कर दूँ धनवी के लिए। एंड धनवी की मौसी भी बहुत अच्छी है, उनको भी यही लगता है। तो थैंक यू सो मच सबको, एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अपना खूब सारा प्यार देना मेरे दोनों बच्चों को, धनवी और धनवा को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं जा रही थी किचन में खाना बनाने रात का, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ, वरना मैं फिर भूल जाऊँगी एंड ब्लॉग ऐसे ही रह जाएगा। तो इसीलिए मैं खाने का रिकॉर्ड नहीं करूँगी, तो रोज़ रोज़ किचन का ये सब अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।